हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं लाल किले की सैर पर। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, मैं यहाँ की बहुत सारी खास बातें आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस किले को मुगल के 5वें बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने 3 बड़ी इमारतों को बनवाया। पहला था दिल्ली का लाल किला, दूसरा है आगरा का ताजमहल और तीसरा है जामा मस्जिद, जो कि लाल किले के ठीक सामने है। इस किले को बनाने में टोटल 10 साल का समय लगा। 1638 से यह किला बनना शुरुआत हुआ और 1648 में यह बनकर तैयार हो गया। इसके 2 गेट हैं। एक गेट है लाहौरी गेट, जिससे आम जनता एंट्री करती है, और दूसरा गेट है दिल्ली गेट, जहां पार्किंग है, जो कि आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। इसकी शुरुआत एक मार्केट, जो कि एक्चुअल कमीना बाजार है, से होती है। शाहजहाँ ने इसे केवल अपनी रानियों के लिए बनवाया था। यहाँ केवल लेडीज़ ही आ जा सकती थी, जेंट्स का यहाँ आना जाना मना था। यह दिल्ली का एक ऐतिहासिक मीना बाज़ार है, जो कि 372 वर्ष पुराना है। ये सामने एक ब्रिटिश बैरक है, जिसमें अब रेड फोर्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। ऐसी बहुत सारी बैरक बनी हुई है। इसकी आर्किटेक्चर को विक्टोरियन आर्किटेक्चर कहते हैं। सामने जो बिल्डिंग है उसे कहते हैं मुगल आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस किले का क्षेत्रफल 2.54 एकड़ है। पहला गेट, जिसका नाम है नौबत खाना, जितने भी नाम महलों के अंदर हैं वो सारे के सारे फारसी भाषा में हैं। उस ज़माने में बोलचाल की भाषा फारसी थी, इस वजह से इन सब के नाम फारसी में रखे गए थे। बड़े बड़े ड्रम को फारसी में नौबत कहा जाता था। उस समय जब बादशाह आते थे तो दरबान ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाते थे, बादशाह सलामत आ रहे हैं। उस ज़माने यही एक तरीका था अनाउंसमेंट करने का। यहाँ बैठकर वो नौबत बजाते थे, इसलिए इसे नौबत खाना कहा जाता था। उस समय 3 सिटीज़ पॉलिटिकल रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट थी। पहला था दिल्ली, दूसरा आगरा और तीसरा लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये किला 372 वर्ष पुराना है। पूरा का पूरा किला लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं। 3 तरफ से किले की दीवार है और एक साइड से यमुना नदी बहती है। किले के ऊपर एक पोल बना हुआ है, जहां पर प्रतिवर्ष झंडा रोहण होता है। जब हमारे देश में मुगल का शासन खत्म हो गया, तब यहां ब्रिटिश का शासन शुरू हो गया। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है इसे कहते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब है आम लोगों से मुलाकात करने की जगह। यहाँ हर सुबह दरबार लगता था, जिसमें शहर के आम लोग आते थे और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बादशाह से बात करते थे। बादशाह यहाँ बैठते थे और उनका न्याय करते थे, जस्ट लाइक अ कोर्ट। आम लोगों का केवल यहीं तक आना अलाउ था, इसके अंदर आम लोगों का जाना वर्जित था। 90 सालों तक ये किला ब्रिटिश के अधीन रहा। यहाँ पर ब्रिटिश के बहुत सारे बैरक बने हुए हैं, जहाँ पर वो रहा करते थे, और आजकल वो बैरक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज़ादी यानी 1947 से 2003 तक ये किला भारतीय सैनिक के पास रहा। उनकी एक बटालियन यहाँ रहा करती थी। 2003 में भारतीय सेना ने भी ये किला खाली कर दिया, जिसके बाद इसका कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के पास आ गया। देन अप्रैल 2007 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया। ये है यहाँ का रंग महल, जिसे हॉल ऑफ एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत सारे वाटर चैनल हैं और फव्वारे बनाए गए हैं, ताकि इसे ठंडा रखा जाए। यहाँ पर उनकी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। ये रास्ता सीधे यमुना नदी को जाके निकलता है, इसलिए इसे यमुना गेट कहते हैं। पहले राजा महाराजा बोट से आगरा और दिल्ली आते जाते रहते थे और इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। अब जो आप सामने देख रहे हो इसे कहते हैं दीवाने खास, जिसका मतलब है खास खास लोगों से मिलने की जगह। बादशाह यहाँ केवल अपने मंत्रियों और वीआईपी और दूसरे देश के राजाओं से मिलते थे। यहाँ आना जाना आम लोगों के लिए मना था। ये जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट था। यहाँ पे बहुत सारा सोना जड़ा हुआ था। लेकिन 1739 में एक ईरानियन इन्वेंटर था नादिर शाह, उसने यहाँ पर आक्रमण किया और इनको हरा दिया, और सारा का सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात अपने साथ ले गया, जिसमें 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। पहला था मयूर सिंहासन और दूसरा था कोहिनूर का हीरा। ये हीरा महल है, ये एक तरह की बालकनी है, जहाँ बैठकर लोग हवा खाते थे और नदी गार्डन को देखने के लिए बैठते थे। इस किले में केवल
दो महल हैं जिनका नाम हिंदी में रखा गया है, जो कि सावन और भादो हैं। ये दोनों बिल्कुल एक तरह के बनाए गए हैं। यहाँ पर बरसात का मज़ा लेने के लिए लोग बैठते थे। यहाँ एक तरफ लड़के और एक तरफ लड़कियाँ बैठते थे। ये है ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत अच्छा उदाहरण। ये बीच में जो आपको दिख रहा है, ये है जफ़र महल। इसे बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल शासन के अंतिम शासक थे, उन्होंने बनवाया था। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बैरक है, जो कि अब म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड